सुना दादू के अगले एपिसोड दूसरे एपिसोड में आपका अपना का स्वागत है। हम भूल गए रहें कि हमका अपना पंचन से बघेली में बात करें का है। तो यह सुना दादू का आज के दूसरे के एपिसोड में विंध्य क्षेत्र के और बघेलखंड के सगले भाई बहनिन का खूब खूब प्रणाम है, स्वागत है। तो आज के चर्चा में हमारे साथ पुन आदरणीय हमारे केशव तिवारी जी पंडित जी विशाल खबर के संपादक यहाँ बैठे हमारे साथ चर्चा के लाने। तो हम कहें फुर्सत रहें दोपहर के खाना आना खा लें दोपहर के, हम सोचे न को सो भय तो कहें पंडित जी के पास चला जाए कुछ खबर अबर मिल जाए सतना के। तो पंडित जी आज के का है फिर कुछ है नया ताजा कुछ खबर खबर या तो नहीं नई खबर ही। अच्छा एतर खबर ही कि मैंने सुन के मूड चकरा गई। का कहित लाग है फुरिन बताई। अब यह लागत है ये युग जमाना में जेटली जी जी केखे ऊपर मनी भरोसा कर का है का होएगा। एठ बहिनी एठ मनई से मोहब्बत करत रहे प्यार। अच्छा ठीक है प्यार हाँ तो अखर भाई रोकिस होई जैसे प्रेम प्रेम का तो सगला जमाने दुश्मन नहीं पर अगर बच्चे कहूँ भटकत है तो बड़न का करता बाय रोका। बात सही कह रहे हैं लेकिन बहनी 26 साल के रही। अच्छा तो अखर प्रेमियों 28-30 साल का रहा ठीक ओखर भाइयों 25-26 माने 28-30 साल का रहा तो सब जवान रहे। अब वो प्रेम करे ला ठीक है तो ठीक है सभी भाई है तर पूरे देश के सगले भाई रोका थे बहनी बिटियन का बहुत रोकिस। जब वो रोकिस तो बहनी और प्रेमी मिल के अपने माने वो बहनी जौन रही वखर नाम रोशनी रहा। अच्छा और जौन भाई रहा कहाँ के आए या रामपुर बहलान थाना क्षेत्र के अंतर्गत दलदल के घटना है। अच्छा दलदल छिबाउरा कुछ हाँ, ऐसा हाँ, 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 ठीक ठीक ठीक। अब यह माना कि वो बहिनी जो रोशनी नाम रहा ठीक बहिनी और वो प्रेमी रमेश अच्छा कियोस्क चलावत रहा। अच्छा वो दोनों मिलके माने रोशनी अपने भाई का बात डाली। अरे राम 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 राम। अब बतावा ये जमाना कितना खराब हो गया है। पर अपना जो उन पंडित जी कही थे ना कि प्यार के चक्कर में तो देखिए जब प्यार आर ना हो अब प्यार के अपना सुन ले पहले जो हम कही ला रहे कि एक थे शायर रहूं कहीं कि या इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब माने कि यह प्रेम इतना जटिल आए वह करे कि यह आगे के नदी में बूढ़ के जाए। मैंने कहवा हुआ है कि प्यार आंधर बात है। नहीं देखिए प्यार आंधर नहीं हो गुरु आंधर होती वासना। अपना दशरथ मांझी के नाम सुने हो? हाँ सुने। मतलब पिक्चरें बन गई दशरथ मांझी के ऊपर हिंदुस्तान के शान आए वह आदमी कि वह एक स्त्री से प्रेम करत रहा बेतहासा प्रेम करे तो खोर एक स्त्री बीमार पड़ गए जैसे वह प्रेम करत रहा तो बीमार हो गए तो खर डॉक्टर के पास ले जाए कर रहा था जौनी रोड से ले जाए कर रहा तो पहाड़ से घूम के जात रहा जब समय बहुत ज़्यादा लगत रहा ओखा मजबूरी में हुआ से ले जाए कर पड़ा था डॉक्टर कहें कि अगर तुम दो घंटा पहले आ जाते तो ये बच जात। तो दशरथ मांझी कही जाता चली गए अब मैं क्या कर सकता तो पूरे पहाड़ खोद डारी पूरे जीवन में भरी जवानी से बूढ़ होएगा पहाड़ खोदत खोदत और 6-7 किलोमीटर कितनी है हमें पता नहीं मैं रोड बनाए दी आज पूर गांव निस्तार करा था इलाज के अभाव में लोग अब ऐसा नहीं मरे तो जब हम तो एका प्यार कहते अब वासना हो या अंधर। देखी वह इत्थे फिल्म में गानो रहा ठीक कोनो प्रेमी या कल्पना करी थे कि एक घर बनाऊंगा तोरे घर के सामने। हाँ अब मान ली अखर सिस्टम नहीं फिट भा ठीक तो वो प्रेमी आजकल के प्रेमी कस प्रेमिका का मार नहीं डालिस। हाँ वो का कहिस गीतकार के कल्पना देखिए ठीक बात है और प्रेमियों के कल्पना देखी कि एक घर बनाऊंगा तोरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा तोरे घर के सामने माने अपना कल्पना देखी और एक प्रेमी या रहा। अरे ना लेब ना दे आप तो देखिन ले आप कम से कम घर बना रही तुम्हारे दुआरे के सामने तो निकलत कर समझी लेकिन यह जो यतर का प्रेम भाई हमका तो यह लाल देखी हम तो यह जानी थे कि प्रेम मनाई भर नहीं जानवरों प्रेम करते हैं तो प्रेम के बिना तो दुनिया अधूरी सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सके माने नहीं हो सके लेकिन यतर के प्रेम के खिलाफ है जहाँ हिंसा होए हत्या होए भाई हम कही थे कि चला भाई रोकत रहा ठीक तो बहनी समझा सकत रही ना वही ठीक है यार भाई अब देख हमू जवान हो गए शादी लायक हो गए शादी लायक हो गए तो हूँ मोर कहो न कहो कहूँ से तो शादी करबे करबे करिए
तो हम यही चाही थे। अमे का कमी है, कमात है कियोस्क चलावत है, पढ़ा लिखा है तब तो मोर शादी कई दे वहीं से ठीक। अगर वो निकाह के समझावत ठीक तो हम ही नहीं लगे कि कौनो भाई। अब देखिए या तो सब हम पंचन के एक थे अंदाज आए, का पता वह बिटिया समझाई सोए कि न समझाई सोए। अरे तब फिर ओमा दूसरो रास्ता रहा ना ठीक, भागो के आकाश कर सकत रही ना, लेकिन हत्या करे का जरूरत रही। हम तो यह कहते कि भागें के दिन का जरूरत रही, जब 28 साल का वह कियोस्क वाला रहा 26 तो शासन तो ही खुदे मंजूरी तो बालिग है जेखे साथ अपन जीवन निर्वाह करा चाहे ओखेला ने अपराध का रास्ता न उठावा चाहे एक तो हम घोर निंदा करें। हम आया कही रहे हैं ना कि ठीक है यार, और अपना एक चीज़ समझी, यह जो प्रेम है ना तो ये को मैंने जैसन अब रामपुर के दलदल में हो गया या कहाँ हो जाते हैं, कहाँ हो जाते अब अपना ये देखी हम ही ध्यान। यह हार्मोनन का जो फर्क आ रहा है शरीर में, वह जवानी का गुबार आया जो उसका प्यार की परिभाषा दे दी। हाँ अब यह अपना समझी कि उत्तर प्रदेश में एक थे यहीं तरफ बहुत बड़ा कांड था। अच्छा, एक बड़ी राष्ट्रीय कवित्री उठी अपने जमाने में, मधुलिका मधुमिता शुक्ला, मधुमिता शुक्ला ठीक कह सुने हैं नाम, बड़ा नाम। वो एक कविता पढ़ी थे बड़ी हाईलाइट भय, सुन ले बेटा पाकिस्तान बाप है तेरा हिंदुस्तान। वाह वाह, ये कविता खूब चर्चित है वखर, और दिखाई सुने में नीक रही ठीक। तो वह जब लाइम लाइट में आई है वह कला की अब दुनिया हमारे निर्द गिर्द ही ठीक है यार। तो वह जमाने में एक विधायक रहे बड़े चर्चित विधायक अमर मणि त्रिपाठी, उसे वखर इश्क होगा ठीक है यार। अब जब इश्क होएगा तो इश्क में सब कुछ होएगा ठीक है यार। फिर अमर मणि त्रिपाठी की मेहरियत पता चल गया ठीक, तो फिर वह टुन्न फुन्न शुरू हो गया। अब मधुमिता कहे कि नहीं तुम हमसे काजय करा, तो अमर मणि परे तो ही मरवा डाली। अच्छा हाँ, वो फिर मर गए। तब तो फिर अवैध संबंध के पीछे हत्या कहा अवैध संबंध, लेकिन जब मर गए वह तो पोस्टमार्टम भा, तो पोस्टमार्टम में पता चला कि वह गर्भवती आ रही है। आप बताइए तो दो ही हत्या हो गई। तो सुनीता फिर वो में डीएनए टेस्ट भा। अच्छा, तो डीएनए टेस्ट में अमर मणि त्रिपाठी बाप निकले वो खा। अब बताइए तो अब अपने सोची कि ये छोट मोट मने ही चली इनके, ये मान लीजिए कि छोटे गांव के रहे, पढ़े लिखे कम रहे हुई हैं, बुद्धि कम रही हुई ठीक है यार। अब बताइए विधायक मंत्री रहे, वह कहाँ राष्ट्रीय स्तर के कवित्री रही ठीक है, लेकिन नहीं संभारो संभरा इस हत्या हुई है। अपना एक केस और सुने हो आप, राजस्थान का भावरी देवी का। अच्छा, वह बड़ी फेमस नर्तकी रही ठीक, नाचे गावे तो एक नेताजी का चढ़ा, एक नेताजी का उनके ऊपर माने प्यार आएगा। अच्छा भाई देखी इस उसको माने कोनो कोहू के आधा ठीक है, कब कौन फिदा हो गया, कौने फूल में कौन भंवरा बैठ जाए को जाना था। तो फिदा हो गए नेताजी राजस्थान के ठीक। फिर वो कहानी बढ़ी आगे, अब वो जब बढ़ी तो वहाँ फिर वह भा कि नेताजी होकर हत्या करा दी। अरे राम, हत्या करा दी तो फिर जेल चली गई। जेल तो जाबे करी जब को कहा हत्या कराई, तो कहीं तो कहो कि पानी में हरी है तू तो आवा कह दी। तो भैया बहनी अपना पंचे देखें कि कौन मेरे से हत्या हुई, हम लोग वह मैं नहीं जावा चाहिए कि कब मर्डर भा, कैसा मर्डर भा, कहाँ करंट से तार के लई गए। हम लोग समाज का यह संदेश देने की कोशिश करी थे कि पहले तो डिफाइन करी कि प्यार का आया या वासना का आया। अपने बच्चन से हमेशा संवाद बनाए के रखी ताकि बच्चे भटकाएं ना। जब कहा जाता है हमारे रीवा राज्य में एक उखान है, हमारे बाबुओं कहत रहे कि जब बाप का जूता लड़का के पैरन में आवे ला गए तो मान ले कि वह अपना के दोस्त हो गया, तो ओखे साथ वह मेरे के व्यवहार करी, ओखे जीवन में बहुत बदलाव आ रहा है, तो वह बहुत कुछ कहा चाहा था, ओखा बहुत कुछ अपना के मार्गदर्शन की जरूरत है। भाई हम तो यही कही थे कि भाई प्रेम मोहब्बत करा तो हत्या करेंगे नौबत ना ना भाई। भाई जब पहली चीज तो कोशिश यह करा कि प्रेम उनके शुरुआत तब करा जब बालिग हो जा, बालिग हो जा भाई, तुम 21 साल के हो जा, 18 साल के कुछ कमाए धमाए का ठीक ना हो। हाँ, मैंने प्रेम में तुम पता चला कि भाग तो गया हाँ। घर से, लेकिन कहाँ रही जहरा उखाए का पैसा नहीं हाँ, तो ये तर प्रेम करे का कोनो मने वा
जवानी के जोश में ऐसा हाँ। कदम न उठावा जो उन्हें से माने दिक्कत हो कि अपने महतारी बापन कभी समाज में हाँ, कष्ट का सामना करें पड़े अपनो जीवन में धक्का खाई ठोकर खाई गलत हाथन में पड़ जाए कुछ हो जाए। महतारी बाप अपने लड़का बच्चा का बुरा नहीं चाहता, कबो नहीं चाहे, वो चाहते कि सब निकाह हो। तो महतारी बाप का समझाने की कोशिश करा कि बाबू हमार तुम काज करिहा, पता नहीं कौन मेरी बिटी आई, हम वही न जानी न समझी न कुछ, हम ही जानी समझी थे, ठीक आए जात पात में कुछ ऊपर नीचे हो ही सकता है। तो भैया अब ये जुग जमाना है इतना बड़ा हुआ ना हो है, सब माने सबके खून एक है, मेर है, बिल्कुल ठीक है। मान ले अब कहूँ दूर से ले आया तो को कहा जाना थी कि कौन जात पात के आया, को का पता है। तो ऐसे यह है कि आदमी मानव आए बस, मानव शरीर की इज्जत करा, प्यार मोहब्बत करा, तो माने वही निभावे की कोशिश करा और समाज में एक निगाह संदेश दिया कि भाई हम पांच प्यार की हन वही निभाएं जियन वही, और एक प्रेमी जोड़ा के रूप में हम अपना से दूर न बताई, हम खुदे प्रेम विवाह किए हैं और सक्सेसफुल 25 साल होए का आवत हैं, आप समझ लें। तो जेटली जी हम तो यह कहा कि अगले वो जो 14 फरवरी में कहा आवत है वही का बेलंटा डे, बेलंटाइन डे, हालांकि हमारे मध्य नहीं, हम 14 फरवरी पुलवामा में हमारे शहीद हो गए रहे देश के काने कितने जवान, तो उन शहीदन के लाने नमन है और उन देशन के लाने हम ये प्रोग्राम के माध्यम से भी आप अपना के बहाने आज अच्छा पुलवामा के शहीदन के याद आ गए 14 फरवरी रहा। हम हिंदुस्तानों का संदेश दिया चाहे थे कि जब ये लड़का बिटिया पार्कन में बगीचन में मिला थे, मिला खूब जा जौन दिखा हुआ करा, पर कम से कम उन्हें एक बार जिनके कारण तुम यहाँ मिले लायक छूटे हया उन्होंने का प्रणाम कर लिया करा। तो यही के साथ केशव भैया आज के अपन चर्चा का समाप्त करी, ठीक, और सब्सक्राइब कर दे भैया बहनी हरो, कहे कि अपना पंचे के सहयोग के बिना यह हमार जो बात आए सबके पास न पहुंची, तो एक थे लाल वाला बटन है दबावे का कौन कुल्हाड़ी हथौड़ा नहीं चलावे का, तो थोड़ा इतना कर दे, देखिए कर दे ना, ठीक।